is myself Gotti Falguni. In your last video, we had completed your 15 lesson transport. Okay, now today we are going to start your 16 lessons safety rules. So we will study about the safety rule in this lesson. Okay, so let's start. So we must follow safety rules all the time. Safety rules help to keep us safe. We should take care of ourselves and others too. Okay, तो हमें जो safety rules है, जो मतलब कि road safety rules होते हैं ना, वो हमें follow करने चाहिए. Okay, और वो हमें safe रखने में मदद करते हैं, हमें भी और दूसरों को भी. Right, now let's warm up करके दिया है. Put a cross where you think सूरज and किरण will get hurt. Okay, तो ये सूरज और किरण है, जहाँ पे आपको लगता है कि वो हर्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आपको क्रॉस मार्क करना है. तो एक तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए वो हर्ट हो सकता है. ओके, ये ठीक डायरेक्शन में चल रही है, सो यहाँ पे तो नहीं आएगा. देन ये कैची लेके बैठा है, तो इसमें भी वो हर्ट होगा, तो इसलिए उसमें भी, इसमें भी क्रॉस मार्क आएगा. और ये आग से खेल रही है, तो इसमें भी ये हर्ट होगी, तो इसमें भी क्रॉस मार्क आएगा. ओके, नाउ लेट अस लर्न द सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड. ओके, तो हम अभी सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे कि जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. सो सेफ्टी ऑन द रोड, वी मस्ट वॉक ऑन अ फुटपाथ. ओके, तो फुटपाथ होता है, आपको पता ही है, आप जब स्कूल जाते हो या कहीं पे जाते हो, रोड क्रॉस कर रहे होते हो, तो रोड क्रॉस में साइड में फुटपाथ होता है, तो हमें उसी पे चलना चाहिए. देन व्हेन देयर इज नो फुटपाथ, वॉक ऑन द राइट एंड सेफ साइड ऑफ द रोड. ओके, और अगर फुटपाथ नहीं है तो हमें राइट साइड या फिर सेफ साइड पे चलना चाहिए. देन यूज अंडरग्राउंड सबवे और फुट ओवर ब्रिज टू क्रॉस बिजी रोड. ओके, तो जब भी बिजी रोड होता है, मतलब कि बहुत सारी गाड़ियाँ होती है रोड पे, तो हमें है ना सबवे, मतलब कि नीचे से जाने का रास्ता होता है, पता ही आपको वो, या फिर फुट ओवर ब्रिज को हमें यूज़ करना चाहिए क्रॉस करने के लिए रोड को. फिर यूज़ द ओवरहेड ब्रिज वाइल क्रॉसिंग अ रेलवे लाइन. ओके, रेलवे लाइन आप जब क्रॉस कर रहे होते हो, आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा, तो वहाँ पे थोड़े थोड़े जो स्टेशन होता है, वहाँ पे रेल ओवर ब्रिज होता है. राइट, तो हमें बीच में से, रेलवे में बीच में से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में, तो हम बीच में से नहीं जा सकते, क्योंकि कभी भी ट्रेन आ सकती है. राइट, तो हमें तब क्या, जो ओवर ब्रिज होता है उसको हमें, ओवरहेड ब्रिज होता है उसको हमें यूज़ करना चाहिए ना. नेक्स्ट, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड वी मस्ट वॉच द ट्रैफिक लाइट केयरफुली. ओके, तो हम जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो हमें जो ट्रैफिक लाइट होती है उसे केयरफुली देखना चाहिए. और आपको पता ही है कि ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें कितने कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन, और उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, तो वो क्या डिफरेंट मीनिंग होता है वो देखते हैं. सो व्हेन इट टर्न्स रेड इट मीन्स यू शुड स्टॉप. ओके, तो रेड हो जाती है लाइट, तो आपको रुकना चाहिए, मतलब कि आप गाड़ी चला रहे हो और लाइट रेड हुई तो आपको रुकना चाहिए ट्रैफिक में जो सिग्नल होते हैं उसमें. फिर व्हेन इट टर्न्स येलो, तो येलो होता है तो इट मीन्स यू शुड वेट. ओके, तो आपको थोड़ा वेट करना है, मतलब कि अभी ग्रीन होने ही वाला है सिग्नल, तो आपको चलना ही है, तो थोड़ा वेट करो ऐसे. देन व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, मतलब कि ग्रीन है तो इट मीन्स यू शुड गो. ओके, तो ग्रीन हो जाएगा लाइट तो आपको चलना है. ओके, नाउ बिफोर क्रॉसिंग अ रोड लुक राइट देन लेफ्ट एंड राइट अगेन. ओके, तो आप रोड क्रॉस कर रहे होते हो, तो आपको लेफ्ट में पहले राइट में देखना चाहिए, फिर लेफ्ट में, फिर से राइट में देखना चाहिए. देन क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन द सिग्नल और पासर बाय इज ग्रीन. ओके, तो जब भी आप जेब्रा, मतलब कि रोड क्रॉस कर रहे हो, तो जेब्रा क्रॉसिंग तो आपको पता ही है, जो ये स्टेप्स होते हैं ना जेब्रा क्रॉसिंग जैसे. ओके, तो मतलब कि जब सिग्नल रेड है और आप रोड क्रॉस कर रहे हो, तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करना चाहिए, और पासर बाय ग्रीन है तब. ओके, सॉरी, पासर बाय सिग्नल फॉर पासर बाय ग्रीन है तो. नाउ नेक्स्ट है,
क्रॉस द रोड विथ अन एल्डर नॉट अलोन. ओके, तो एल्डर मतलब कि आपसे बड़े हैं, उनके साथ आपको रोड क्रॉस करना चाहिए, आपको अकेले नहीं जाना चाहिए. देन डू नॉट टीज एनिमल्स ऑन द रोड. ओके, तो एनिमल्स को नहीं सताना चाहिए आपको रोड पे. फिर नेक्स्ट है, डू नॉट प्ले नियर और ऑन द रोड. ओके, तो रोड के पास या रोड के ऊपर आपको नहीं खेलना चाहिए. देन डू नॉट प्ले ट्रिक्स ऑन द रोड, तो रोड पे कोई ट्रिक्स नहीं खेलनी चाहिए. देन डू नॉट फ्लाई काइट्स और रन आफ्टर द काइट्स ऑन द रोड. ओके, तो काइट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए. ओके, रोड पे. देन नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम. ओके, तो होम पे आप कौन सी सेफ्टी रूल्स फॉलो करोगे? तो एक तो डू नॉट जस्ट ऑन द बेड और द टेबल. ओके, जंप, सॉरी, तो आपको बेड या टेबल पे जंप नहीं करना है. देन डू नॉट प्ले विथ फायर, इट कैन बर्न योर स्किन. ओके, तो फायर के साथ नहीं खेलना है क्योंकि वो आपकी स्किन को बर्न कर सकती है. देन डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ सीजर एंड नाइफ्स. ओके, तो नाइफ और सीजर जैसे शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं उससे नहीं खेलना है. देन दे कैन कट योर स्किन. ओके, तो वो आपकी स्किन को कट कर सकते हैं. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर, प्लग एंड हीटर्स, दे कैन गिव यू शॉक्स. ओके, तो मतलब कि शॉक, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक वायर, देखो आप ये प्लग होते हैं ना, उसमें उंगली डालते हो तो क्या होगा, शॉक लगेगा ना, तो मतलब कि उसको यूज़ नहीं करना है. ओके, उससे दूर रहना है. दे कैन गिव यू शॉक. ओके, फिर आपको एक ट्राई टू डू करके दिया हुआ है. राइट एस फॉर अ शार्प ऑब्जेक्ट एंड ई फॉर इलेक्ट्रिक गैजेट दैट कैन यू हार्म, सॉरी, दैट कैन हार्म यू. ओके, तो मतलब कि जहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट है वहाँ पे एस करना है, और इलेक्ट्रिक गैजेट है वहाँ पे आपको क्या करना है, ई करना है. तो देखो, एक पहले तो नाइफ है, ये शार्प ऑब्जेक्ट है, एस आएगा. ये इलेक्ट्रिक गैजेट है तो ई आएगा. ये शार्प है तो एस आएगा. ये इलेक्ट्रिक है तो ई आएगा. और ये शार्प है तो इसमें एस आएगा. ओके, नेक्स्ट है सेफ्टी वाइल स्विमिंग. ओके, तो जब आप स्विमिंग कर रहे हो तो कौन सी सेफ्टी रूल्स फॉलो करोगे? तो फर्स्ट है नेवर गो टू स्विम अलोन. ओके, पहले तो अकेले कभी स्विम करने नहीं जाओगे. अगर स्विम अच्छी आती है तो जा सकते हो, अदरवाइज नहीं. फिर ऑलवेज यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब. ओके, स्विमिंग ट्यूब का यूज़ करोगे. ये देखो आपको दिख रही है ये. नेक्स्ट है फॉलो योर इंस्ट्रक्टर एडवाइज़र. ओके, इंस्ट्रक्टर जो है आपका, उसके एडवाइस को फॉलो करोगे. देन डू नॉट गो इन अ डीप वाटर फॉर अ स्विम. ओके, तो डीप वाटर मतलब गहरा पानी है, वहाँ पे आप स्विम करने के लिए नहीं जाओगे. देन स्विम इन द पार्ट ऑफ द पूल वेयर वाटर इज नॉट डीप. ओके, और स्विमिंग पूल में जा रहे हो तो जहाँ पे वाटर डीप नहीं है वहाँ पे आप स्विमिंग करोगे. ओके, तो ये सारे जो रूल्स है वो आप स्विमिंग में फॉलो करोगे. देन नेक्स्ट है सेफ्टी वाइल प्लेइंग. ओके, तो खेल रहे होते हो आप जब, तो आप कौन से रूल्स फॉलो करोगे? तो डू नॉट प्ले नियर और ऑन द रोड. ओके, तो रोड पे या फिर रोड के पास नहीं खेलोगे. देन डू नॉट प्ले गेम नियर ऑन ओपन ड्रेन. ओके, तो ओपन ड्रेन में आप नहीं खेलोगे. देन प्ले आउटडोर गेम्स इन द पार्क और ग्राउंड. ओके, तो आउटडोर गेम्स जो है वो आपको पता ही, आउटडोर गेम्स क्या होता है, इंडोर गेम्स क्या होता है. जो हम घर में खेलते हैं वो इंडोर गेम्स है, और बाहर खेलते हैं वो आउटडोर गेम है, राइट? तो मतलब कि जो आप आउटडोर गेम है वो पार्क में या फिर ग्राउंड में खेलोगे. डू नॉट फाइट विथ एनीबडी, किसी के साथ लड़ोगे नहीं. डू नॉट प्ले आफ्टर द सनसेट. ओके, सनसेट होने के बाद अंधेरा हो जाता है तो तभी नहीं खेलोगे. देन नेवर प्ले ऑन एन ओपन टेरेस. ओके, तो ओपन टेरेस पे आप जाके नहीं खेलोगे. देन डू नॉट स्टैंड टू क्लोज टू मूविंग स्विंग्स. ओके, तो मूविंग स्विंग्स होता है, उसके एकदम नज़दीक जाके नहीं खड़े रहोगे. मतलब कि कोई स्विंग कर रहा है तो आप उसके पास में जाके नहीं खड़े रह सकते, राइट? नेक्स्ट है सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. ओके, तो मतलब कि आप जब बस में ट्रैवलिंग करते हो तो कौन से सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं? तो स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप वाइल वेटिंग फॉर अ बस. ओके, तो बस के लिए वेटिंग कर रहे होते हो तो आपको ऐसे क्यू में खड़ा रहना है. ओके, लाइन में खड़ा रहना है. देन नेवर पुश एनी बॉडी वाइल गेटिंग इन
और आउट ऑफ द बस. ओके, तो बस में जब चढ़ रहे हो या उतर रहे हो तो किसी को धक्का नहीं देना है. नेवर लीन आउट ऑफ द विंडो ऑन अ मूविंग बस. ओके, तो जब वो बस चल रही होती है तो आप बस के विंडो से झाँकोगे नहीं. देन डू नॉट जम्प इन अ मूविंग बस. मूविंग बस में जंप नहीं करोगे. डू नॉट पुट योर हैंड आउट फ्रॉम द विंडो ऑफ अ मूविंग बस. ओके, तो अपने जो हाथ है वो मूविंग बस में से बाहर नहीं निकालोगे. डू नॉट टेक टू द ड्राइवर व्हेन ही इज ड्राइविंग. ओके, टॉक सॉरी, तो ड्राइवर से बातें नहीं करोगे जब ड्राइवर बातें कर सॉरी ड्राइविंग कर रहा होता है. तो डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस. ओके, मूविंग बस में आप उतरोगे नहीं या चढ़ोगे नहीं. देन इफ़ यू आर केयरफुल यू विल नॉट गेट हर्ट, बट इफ़ यू गेट हर्ट कॉल अन एडल्ट इमीडिएटली. ओके, और अगर आप केयरफुल रहोगे तो आप हर्ट नहीं होगे, पर अगर आप हर्ट हो जाते हो तो एडल्ट इमीडिएटली को आप बुलाओगे. देन ही शी विल गिव यू फर्स्ट एड. ओके, तो जो भी होगा मतलब कि एडल्ट इमीडिएटली उसे बुलाओगे, एडल्ट को, वो आपको फर्स्ट एड किट देगा. ओके, फर्स्ट एड देगा मतलब कि जो पाटा पट्टी करते हो ना आप वही करेगा. देन द मेडिकल हेल्प गिवन बिफोर द डॉक्टर कम्स इज नॉन एज अ फर्स्ट एड. ओके, तो फर्स्ट एड बोला है कि किसे आप बोलते हो, तो जब भी आप जो प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट देते हो ना उसे फर्स्ट एड बोला जाता है, फर्स्ट एड बोला जाता है. जब मतलब कि डॉक्टर आते नहीं है तब तक आप जो भी उसकी ट्रीटमेंट करते हो ना पेशेंट की, उसे फर्स्ट एड बोला जाता है. नाउ वैल्यू वाइज इफ़ यू आर अलर्ट यू विल बी सेफ. ओके, तो मतलब कि आप अलर्ट रहोगे तो आप सेफ रहोगे. ओके, नाउ लेट्स रिमेंबर करके दिया है, वी शुड लर्न द सेफ्टी रूल्स. वॉक ओनली ऑन द फुटपाथ, क्रॉस द रोड ओनली एट अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, एंड ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. ओके, अभी इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.